हेलो एवरीवन, मिंची के ना एक हॉर्स उठा के उन लड़कों को मारती हैं। यहाँ से निकलो, मुझे यहाँ से निकलना होगा। बॉस, मैं उसे जाके अभी लेकर आता हूँ। गेट आउट। हाँ, अगर तुम और पास आए मैं यहाँ से जंप कर दूँगी। तुम मरना नहीं चाहती, मेरे सामने ना प्रटेंड करना बंद करो और इधर आओ। मैं क्यों आऊँ? ताकि वो आदमी मुझे खींचे? तुम मुझे ऐसा डेथ तक टॉर्चर करने की क्यों सोच रहे हो? तुम्हें लगता है फनी है कि जो औरत बेमिंग के साइड रह रही है पैसे के लिए, अब वो प्रटेंड कर रही है वर्जिन होने के लिए और अपनी वर्जिनिटी को बचा रही है? तो मेरी मदद करो उसे छोड़ने के लिए, अगर तुम कर सकते हो तो। मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं बिलीव कर लूँगा? मेरे साथ कोई भी ट्रिक्स मत खेलो, मैं सिर्फ तुम्हें यहीं पे फुक करूँगा। मैं देखूँगा कि वो अभी फिर भी एक उस औरत को चाहेगा जिसके जिसे उसके फ्रेंड ने फुक रखा हूँ। नहीं, इससे डैमेज होने की जगह मैं चूज़ करती हूँ। वेट, ओनो मिंजी के, डैम इट, ये सीरियस है और इस गैलरी स्विम नहीं कर सकती। नीचे जाओ, उसे बचाओ जल्दी। वो कहाँ है? यहाँ से नीचे कूद गई। सर ये, ओ नो, वो जो एक्सप्रेशन था उसके फेस पे, क्या है? और सच में इसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये वही है। डैम इट, मैं तुम्हारे को कुछ होने नहीं दूंगा। जाग जाओ अभी, मारो मत, क्या तुम मेरी सुन सकती हो? ओहो, शिप को किनारे तक ड्राइव करो, एम्बुलेंस को कॉल करो। मैंने रियलाइज़ नहीं करा था कि औरत कम्प्लीटली डिफरेंट है उनसे जो पैसों के लिए होती हैं। अगर इसके साथ सच में कुछ हो गया तो मुझे डर है कि ये ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस लाइफ तक लेकर आऊँगा। अगर फेल हो जाता हूँ मैं, फिर यहाँ पे जितने भी हैं ना उन सबको तुम्हारे साथ दफना दूँगा। ओह नो, ये बहुत सीरियस लग रहा है। थैंक्स हेवन, ये ठीक हो गई। मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक दिन मैं इतनी ग्लैड होंगी इसका चेहरा देख कर। हॉस्पिटल, जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं ना वो कंप्लीट हो चुके हैं आपके लिए एडवांस में, और आप डिस्चार्ज हो सकते हैं किसी भी समय आप। थैंक यू डॉक्टर, मैं घर आ गई। कोको, तुम वापस आ गई? कोको, मुझे तुम्हें बताना होगा कि मेरा सेल फोन है ना वो चोरी हो चुका है। क्या तुमने प्रॉमिस नहीं करा था कि तुम मेरे लिए दूसरा खरीदोगी? क्या तुम उसे खरीद के लेकर आई हो? मैं ना इन दिनों बिजी थी क्योंकि मेरे पास समय नहीं था तुम्हारी इस स्क्रिप्ट को सबमिट करने के लिए, तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है इस समय। इन सब चीज़ों को जाने दो। इन सारे बहानों के साथ तुम सिर्फ मेरे लिए खरीदना ही चाहती। तुम सिर्फ एक इल्जिमेट बेटी हो जो कि हम तुम्हें ना इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बट तुम अभी भी इतनी अनग्रेटफुल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा फ़ोन चोरी करने की? तुम अपनी माँ की तरह हो। मेन पिच, शट अप और गेट आउट, मैं तुमसे इस समय बात नहीं करना चाहती। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ करने की? मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी इस समय। तुमने मेरे पापा का प्यार चुराया, और फिर तुम एक्चुअली हिम्मत करी मेरे मोबाइल फ़ोन चुराने की और मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की। मुझे शेंशन को इतना बिगाड़ना नहीं चाहिए था, और वरना वो ऐसी नहीं होती। ओह माय गॉड, ये ड्रेस इतनी ब्यूटीफुल है और जो ज्वेलरी इतनी गॉर्जियस है। ये ड्रेस शाओशिंग की है, मुझे उसे रिटर्न करना है। उस गरीब लड़की की, झूठ बोलना बंद करो। मैं वैसे भी इस ड्रेस और ज्वेलरीज को ले रही हूँ, ऐसा करना बंद करो और ये सब मुझे वापस दो। हे, अपने हाथ ना उससे दूर रखो, यहाँ क्या चल रहा है? इन्होंने मेरे फ्रेंड्स की चीज़ें ले ली जो कि मुझे उसे बाद में देना है। पापा, मैं क्या, आप सच में बिलीव कर रहे हैं जो भी वो कह रही है? डैड, मेरी क्लासमेट ने ये चीज़ मुझे दी थी। शेंशन, तुम्हारी सिस्टर ये तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? ये इसकी चीज़ें नहीं है, बट ये एक्चुअली तुम्हारे फादर से बोल रही है तुम्हें वापस देने के लिए। क्या एक ऐसे नहीं हो रही दिन दहाड़े चोरी की तरह? अपनी बहन को ये अभी वापस दो। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम अलाउड नहीं हो इस घर में वापस आने के लिए, और मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह कभी नहीं समझूंगा। जिंग, हाँ, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम 100 मतलब इतने श्योर कैसे हो कि सारी चीज़ें मिंजी के की हैं? मॉम,
आप भी यहाँ पर थीं दोपहर के समय जब मैं इसे लेकर आई थी, तो आप उसके साइड क्यों ले रही हैं जानते हुए कि एक झूठ है। मैं साइड नहीं ले रही, मैं होनेस्टली मुझे नहीं पता ये चीज़ें किससे बिलोंग करती हैं। ये कोको को अभी दो और फिर अपने बेडरूम में जाके पढ़ो। बिसाइड तुम अलाउड नहीं हो कि जो ये सब है ना फ्यूचर में कर सको। तुम्हें गलत समझा गया, मुझे माफ़ कर दो मेरी डियर डॉटर। डैड ऐसे बातें मत करो, अगर आपकी वजह से नहीं होता ना तो मुझे नहीं पता कि मैं इस समय यहाँ होती। इसके पास बेटर लाइफ हो सकती थी अगर ये मेरी वजह से नहीं होता तो। इनकमिंग कॉल पेमिंग ये। मैंने तुम्हारे पार्किंग में हूँ, पार्किंग गैराज में हूँ तुम्हारे नेबरहुड में। नीचे आओ अभी, तुम्हारे पास अगर तुम 5 मिनट में नहीं आए ना तो मैं ऊपर आ जाऊँगा तुम्हें लेने के लिए। ये यहाँ क्यों आए? आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ क्या तुम बिलीव करोगे? हाँ तुम इतनी अच्छे स्माइल कर रही हो, क्या तुम अभी अभी शावर से बाहर निकली हो? पेमिंग ये अगर मैं इसकी इतनी ही हार्ट बीट नहीं सुन पाती ना, मुझे लगता कि अभी सब जो हुआ है ना उससे मेरा कुछ लेन देन नहीं है। सर प्लीज़ स्मोक मत करो, मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को पता लगे इन सब चीज़ों के बारे में। वो ये स्मोक ना स्मेल कर लेंगे जब मैं वापस जाऊँगी। इतनी देर तक बाहर रहना, अगर डैड मेरे बारे में चिंता करेंगे, बट अगर मैं अभी जाती हूँ तो शायद मुझे कोई देख लेगा। क्या मैं वापस जा सकती हूँ? थोड़े समय के लिए यहाँ बैठो। ये तो इतनी फ्रेगल लिटिल थिंग है, कोई इसे क्लीन कर लेगा। और आपका शुक्रिया मुझे कल डूबने से बचाने के लिए। यहाँ सोने तो नहीं वाला ना? आप क्या कर रहे हो? कि आपके पास प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट, अपने फादर से बोलो कि जितना हो सके ना वो इतने घर खरीद लें। प्रॉपर्टी यहाँ पे है ना वो अगले साल ना बहुत पैसों की बिकेगी। फिर इसका क्या मतलब है? इससे क्या चाहता है ये डांगलिंग हॉलैंड स्ट्रीट में इन्वेस्ट करना चाहता है? डैड मैं फ्रेंड के घर पर हूँ, मैं अभी वापस आऊँगी, चिंता मत करो। आप वापस कब जाएंगे सर? क्या आप मुझे स्ट्रीट के कॉर्नर तक राइड दे सकते हैं? क्या तुम डर रहे हो कि कोई देख लेगा? सर मुझे वापस जाना है। मैं इतनी डिसअपॉइंटेड क्यों हूँ? शांत हो जाओ, इसका इंटरेस्ट को ना दोबारा से ऐसा मत करो। जो एक्सप्रेशन है ना इसके फेस पे जब भी मैं इसे टीस करता हूँ ना वो बहुत प्राइसलेस होता है। हमें वापस ड्राइव करो यहाँ। कौन सा स्ट्रीट कॉर्नर तुम प्रेफर करोगे? यहाँ से लेफ्ट टर्न करो और फिर मुझे वहाँ उतार देना, फर्स्ट वन पे। गुड बाय सर। मैंने हार्डली ज़्यादा से समय नहीं लगा मुझे इसके कंप्लीट ये हार्डली से ज़्यादा समय नहीं लगा मुझे इसके कंप्लीट स्लिप बनाने में ले। और मैं कब इससे पीछे छोड़ पाऊँगी और अपनी ओरिजिनल लाइफ पे वापस आऊँगी? इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं इतने शॉर्ट टाइम में। ऐसा फील लग रहा है कि सेंचुरी गुजर चुकी है। मैं नहीं चाहती, मैं तुम पे केस करूँगी रेप का। मैं कुछ फ्रूट्स ख़रीद लेती हूँ और फिर घर चली जाऊँगी। डूबने के इफेक्ट के बाद ना और बेमिंग के टॉर्चर के साथ अभी एक्चुअली मैं इतनी वीक हो चुकी हूँ कि मैं हार्डली इन दो बैग्स को उठा भी नहीं पा रही। हाँ ओ शिट उत्तरी की। हाँ क्या तुम अंधी हो? क्या तुम्हें नहीं पता रोड पे कैसे चलते हैं? अगर तुम मरना चाहती हो तो तुम एटलीस्ट दूसरों को इन्वॉल्व मत करो। तुमने जो मेरे साथ कल करा था वो काफ़ी नहीं था क्या? और तुम क्या चाहते हो? इतनी नर्वस मत बनो, मैं सिर्फ तुम्हें चेक करने आया था। मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारा कंसर्न नहीं चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं बेमिन को छोड़ दूँ तुम बेटर उससे जाके खुद ही बात करो। मैं नहीं कोको, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये बहुत हैंडसम है। आंटी लैन प्लीज़ गलत मत समझे, ये सिर्फ फ्रूट डिलीवर करने आया है। हाँ मैं समझ रही हूँ, मैं सब जानती हूँ, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम उससे कह के मुझे जाने दे सकते हो तो मैं तुम्हें इसके लिए पे भी करूँगी। तो तुम कितना पे करने के लिए तैयार हो? अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो क्यों?
मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ रहे। इनफैक्ट मैं नहीं चाहता वो किसी औरत के पीछे इतना क्रेजी रहें। ये बेमिंगी के बारे में इतनी केयर कर रहा है कि ये तो नहीं कि ये इसके साथ बेमिंगी उतरी की। यार क्या सोच रही है कोको। ये भी जानता है मैं कौन से फ्लोर पर रहती हूँ। ऐसा लगता है कि इसने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी है। मुझे बता देना जब तुम अपना माइंड सेट कर लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये आदमी सच में वियर्ड है। ऐसा तो नहीं है कि बीमिंग को पसंद करता है। कोको क्या तुम्हारे स्टूडियो कोऑपरेट कर रहे हैं बिग कंपनी के साथ एक टैलेंट शो रखने के लिए? तुम मुझे फ़ोन नहीं कर सकती। मैंने ये जो ड्राफ्ट है ना तुम्हारे बैग में देखे हैं। तुम अभी भी यंग हो और वैसे भी सूटेबल नहीं हो। ये एक स्मॉल टैलेंट शो है। मैं तुम्हारी मदद करूँगी जब तक यहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। शानशान है ना रेस्टलेस है। अगर वो पार्टिसिपेट करती है इस शो में तो शायद क्लासेस भी स्किप करेगी और स्कूल से भी बाहर निकाली जा सकती है और ये बहुत टेरिबल होगा। तुम छोटी हो, मैंने सब कुछ देखा था। सिर्फ पब्लिसिटी है ना, इसकी पब्लिसिटी करने में मिलियंस ख़त्म हो चुके हैं। ये सिर्फ एक स्मॉल टैलेंट शो नहीं है। तुम सिर्फ मुझे कामयाबी तक पहुँचना देखना ही चाहती। अगर तुम इतनी कैपेबल हो तो वापस मत आना। तुम इस घर में वेलकम नहीं हो। हम 10 सालों से भी ज़्यादा एक साथ रह रहे हैं। क्या शैशंग के पास कोई भी सिस्टरहुड नहीं है मेरे लिए? बिल्कुल भी। सिर्फ क्योंकि मैंने उसकी फ़ोटोज़ देखी इस वजह से। कार के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल तक ड्राइव कर दूँगा। मुझे राइड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इतना चार्मिंग आदमी हमारे स्कूल में कैसे है? ये सिंपली इनक्रेडिबल है। वाओ ये इतना कूल है। ये मुझे फॉलो करना कब बंद करेगा? तुम्हारे साथ लास्ट नाइट क्या हुआ था? मैं तो बहुत डर गई थी जब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। वो मेरे साथ थी उस रात। उसका जो सेल फोन था ना वो डैड हो गया था तो वो तुम्हें बता नहीं पाई। मैं तुम मुसियान हो ना? किसने कोको को वॉर्न नहीं करा था बीमी को छोड़ने के लिए? तो यहाँ कोको के साथ क्यों खुद आया? मुझे लगा था कि उनका जो सीक्रेट मुझे लगा कि उनके पास ना सीक्रेट रिलेशनशिप है और इसीलिए ना मैं थोड़ा अपसेट हो गया था क्योंकि मैंने इसके प्यार में पड़ गया था और उससे इसके पीछे जाना चाहता था कोको के। इसने अभी क्या कहा? ये मजाक कर रहा है। मुझे मेरी चीज़ें दो वापस। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मुझे मेरे डोम में वापस जाना होगा। क्या तुम ऐसा डिनर नहीं करना चाहती? मुझे भूख लग रही है। क्या जल्दबाजी है? क्या तुम एक कॉल का इंतज़ार कर रहे हो? क्या तुम बेमिंगी का? मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी अभी। शिंग शैंग प्लीज़ मेरी मदद करो ये चीज़ें वापस ले जाने में। ओहो जाओ जाओ, इस हैंडसम गाय को ना भूखा मत बनने देना। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जो सिंपल नूडल्स का जो बॉल होगा ना हमारे स्कूल कैफेटेरिया में, ये इसे इतने मतलब ऐसे खाएगा। ऐसा ही लगता है किसी तरह का यंग रिच यंग मास्टर है। तेरी क्या तुम यहाँ आई थी बीमिंग के साथ पहले? नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मैं वहाँ नहीं जा रही। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें नोटिस करें तो जाओ और चिल्लाओ जितना ज़ोर से हो सके ना उतना चिल्लाओ। ये जगह नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। हम वहाँ नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें पहले गलत समझा था और मैंने अच्छे से बिहेव भी नहीं करा था। मुझे माफ़ कर दो। वेल मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मुझे बताओ उसने तुम्हें क्या फोर्स करा है तुम्हें उसके साथ रखवाने के लिए? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जब मुझे शोशांग ने धोखा दिया था और बीमिंग ने धमकाया था, यहाँ पे कोई भी नहीं था जिससे मैं सारी बातें कर सकती थी। मैंने तो हिम्मत भी नहीं करी थी रोने के लिए, बट अब ये आदमी कह रहा है कि मेरी मदद करेगा अगर मैं उसे बता देती हूँ तो। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी माफ़ी एक्सेप्ट करती हूँ बट मेरे पास फिर से दोबारा मत आना। बट मुझे लगता है कि मैंने शायद तुम पे थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लिया है। हम दोबारा फिर मिलेंगे। कोको ये सच में तुम हो? तैंग फेफे ये कुछ ज़्यादा ही कम नहीं पहन रही स्कूल में ऐसे? क्या हो गया? क्या तुम ये के साथ कुछ मतलब ट्रबल में हो? इन दिनों ना वो मुझसे कह रहा है कि मैं ना उसे एम्पायर गार्डन में कंपनी दूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं उससे तुम्हारे लिए बात करूँ? वो मुझे पसंद करता है अभी इतना और ये सही होगा? ठीक है, वो तुम्हें इग्नोर भी कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, सिर्फ उसे अच्छे से सर्व करो। ये क्या सोच के शो ऑफ कर रही है?
ये अच्छा होता अगर ये कुछ बुरे बारे मेरे बारे में ना कुछ बुरा कहे बेमिंग के सामने, ताकि वो टोटली मुझसे बीमार हो जाए। ये सर के साथ इतना क्लोज होने के लिए क्यों अलाउड है, और जबकि मैं नहीं, मुझे तो हर दिन सर्वेंट की तरह काम भी करना होता है वहाँ। शो न्यू, हाँ वो बेमिंग शो के साथ ना बहुत बार आया, बट उसने उसे देखा नहीं। अगर उसे पता होता कि तुम डायरेक्टली 28 फ्लोर पे जा सकती हो, अब वो ना बेयर फेस्ट है और तुम्हारी मत बोल रहा है डाउन पर जस्टिस। तो डायरेक्टर बेमिंग है ना, आज मैं यहाँ पे इनकार करने आई हूँ कि आपने जो प्लान को अच्छे से करा ही नहीं करा है। तुम्हें मुझे डायरेक्टर बेमिंग बुलाने की ज़रूरत नहीं है पूरे समय, तुम मुझे शून या फिर ब्रदर बेमिंग बुला सकती हो। ब्रदर बेमिंग, क्या तुम इंटरेस्ट होगी मेरी पोजीशन में मेरे असिस्टेंट के नाम पे, जो एनुअल सैलरी होगी ना 21,000, 10,000, 1,00,000, उसके बाद क्या आता है, करोड़, 2 करोड़ यान, जो कि मोस्ट रिजनेबल प्राइस है जो कि मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब भी है। 200,000? क्यों? क्योंकि तुम ना बहुत होनेस्ट हो फ्रैंकली, अगर यहाँ पे कोई जरूरत हो ना तो ये ऑलरेडी एटलीस्ट 5 मिलियन यान के लिए बोलते इस प्रोग्राम में। तुमने मुझे 2 मिलियन यान सेव करे हैं। अगर मैं तुम्हें 200,000 यान एक साल में पे कर सकता हूँ तो तुम ऐसे में फ्री हो जाओगे 10 सालों के अंदर। मैं तुम्हें एक दिन दूंगा इसके बारे में सोचने पे। चलो चलते हैं और कंपनी के आफ्टरनून टी टेस्ट करते हैं। तुम काम के समय में कहाँ जा रहे हो? मैंने इस लिटिल सिस्टर को चाय पिलाने लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारे बारे में क्या है? मुझे मैं सिर्फ अभी अभी आई हूँ, ज़्यादा समय नहीं हुआ, और ये ना मुझे पूरे दिन भर घुमा रहा है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस, बाय बाय। ये जेलस नहीं थी ये को किसी और औरत के साथ क्लोज देखने पे, और कंट्री ये तो खुशी के साथ झूम रही है। ऐसा लगता है ये लड़की सच में ये को पसंद नहीं करती। ब्रदर बेमिंग, मुझे लगा था कि ख़त्म हो गया, मैं तुम्हारे असिस्टेंट होंगे। गुड बाय ब्रदर बेमिंग। मेरे ऑफिस में अभी आओ। क्या तुम यूफिफेंग के साथ नहीं हो? मैं वापस आ गया हूँ 5 मिनट, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें स्कूल में ढूंढ लूँगा। यहाँ आओ। वाओ, तुम वहाँ जाना चाहती हो? हेलो एवरीवन, ये मेरा ट्रांसलेशन ही था। आया हूँ, आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।